दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसकी जो ऑथर है वो है तिशानी दोषी। बेसिकली तिशानी दोषी जो है वो इंडियन बेस्ड डांसर है, पोएट है और एक जर्नलिस्ट है। ये जो चैप्टर है उनका रियल लाइफ अकाउंट है, और इस चैप्टर में वो बताती है कि किस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और इस प्रोग्राम को जो हेड कर रहे थे एक कैनेडियन थे जिनका नाम था जियो ग्रीन। और तिशानी दोषी ने अपनी जो ये जर्नी थी अंटार्कटिका की, इसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के नाम पे जो है डिस्क्राइब किया है, और बताया है कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है और हमारे जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, और जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और जो क्रिएचर्स हैं उन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी। ऑथर बताती हैं जो अंटार्कटिका की उनकी जर्नी थी, वो जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस के थ्रू की, इसमें जो बच्चों का ग्रुप था उसमें 52 स्टूडेंट्स थे, और एक रशियन शिप के थ्रू ये किया गया जिसका नाम था अकेडमिक सोकलास्की। और ये जो यात्रा है वो चेन्नई से शुरू हुई, 9 टाइम जोन में क्लियर की गई, और 100 आर जो है इस जर्नी को खत्म होने में लगे। और वो किस किस चीजों के थ्रू की गई थी, शिप, एरोप्लेन एंड कार के थ्रू। और ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन द आइस, बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके एनवायरनमेंट से या फिर ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, या फिर उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे कि अंटार्कटिका में उनको ले जाया गया। बेसिकली जियोफ ग्रीन मानते हैं कि इन सब चीजों को करने से जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि वही जो है इन फ्यूचर में आगे चलकर पॉलिसी मेकर बनेंगे, और उनको जो है अपने एनवायरनमेंट के बारे में जब पता चलेगा कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जितना भी इस एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो आगे चलकर उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम का जो मोटिव है वो ये है। तिशानी बताती है कि उन्होंने जो ये जर्नी की 9 टाइम जोन्स से और 100 आवर्स की जो जर्नी थी उनकी, बहुत ही थकान भरी थी, पर उनके मन में जो एक्साइटमेंट थी उस जगह को देखने की, तो उनका मानना था कि जब मैं उस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग देखूंगी तो मेरी जो थकावट है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है अब अंटार्कटिका की जो स्पेशल प्लेस है उनको देखने में उनका मन जो है व्यस्त हो जाएगा। सो चैप्टर को आगे करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अब जो हमें ग्लोब दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग जो सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्री हैं जिस तरीके से हमें दिखाई देती हैं, वो आज से 65 करोड़ ईयर्स पहले जो है वो इस तरीके से नहीं दिखाई देती। पूरा का पूरा जो लैंड है वो एक पेंजिया कहा जाता था, और उसके जो है दो पार्ट हुआ करते थे, गोंडवाना लैंड एंड लोरेशिया। और साथ के साथ जो और ये सब चीजें कब हुई, जब उन लैंड्स पर ह्यूमंस नहीं थे, एंड देन जैसे ही अब ये सारी चीजें एक साथ थी, पर जैसे ही ऑन अर्थ जब ह्यूमंस आए तब ये सब चीजें जो है शिफ्ट होने लगी कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज में। जैसे गोंडवाना लैंड में इंडिया और लोरेशिया में यूरोप डिवाइड हो गया और ये लैंडमार्क्स में कन्वर्ट होने लगे। और जो पहले ये बड़ा लैंडमार्क हुआ करता था अब वो कॉन्टिनेंट और कंट्री में डिवाइड हो गया। और अभी भी अगर हम मैप लेके बैठे तो हम देखेंगे कि ये सारे जो लैंड जो है वो एक जिग ऑफ पजल्स की तरह हमें दिखते हैं कि कभी ये एक दूसरे से सटे हुए रहे होंगे। तो इन सब चीजों को देखकर तिशानी दोषी कहती हैं कि अगर हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लिए अगर देखना चाहते हैं
तो हमें जो है अंटार्कटिका जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अंटार्कटिका जाकर हमें पता चलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। और अंटार्कटिका जो है सबसे बेस्ट जगह है उस चीज के लिए, और अंटार्कटिका जाकर हम उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि जो अंटार्कटिका है वहां बेसिकली है क्या, आइस है, स्नो है, सारे बर्फ से भरा पड़ा है वो जगह। बट ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वहां के जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं थे। बट उन सब चीजों की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उनकी वजह से कि किस तरीके से जो पृथ्वी का एनवायरमेंट है वो धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है, उसका जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी जो कंट्री हैं अंटार्कटिका जैसी उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है। और धीरे धीरे जो ये सिर्फ यहाँ तक सीमित है वो हमारे पूरे वर्ल्ड पर दिखाई देने लग जाएगी। और ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अदर ऑब्जेक्टेड, और जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनसे निकलने वाला धुआं, ये सब जो है कार्बन का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट में जाल बना लेते हैं। एंड उससे भी बड़ी बात है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होना, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और पर उसके जो यूज हैं वो धीरे धीरे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर वो बढ़ता चला जा रहा है, और अंटार्कटिका जैसी जगह के जो ग्लेशियर और आइस शीट्स है वो धीरे धीरे मेल्ट होती चली जा रही है। तो इस चीज के देखते हुए जो ऑथर है वो कहती है कि जो हमारी अर्थ है वो एक एंड की तरफ चलती चली जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ इस अंटार्कटिका जैसी जगह के ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो इसके रेपरकशंस जो होंगे वो कितने ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे, कितना नुकसान होगा हमारी अर्थ को और हमें हमारी एक्टिविटी के थ्रू। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी अर्थ को सेव करने की दिशा में आगे बढ़ें, उस चीज पर नजर रखें, या ऐसी कोई चीज ना करें जिससे कि हमारी अर्थ को नुकसान पहुंच रहा हो। और ऑथर ये भी कहती हैं कि अंटार्कटिका जो है एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पर अभी तक ह्यूमन जो है रह नहीं सकते, उनका वहां स्टे करना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ। और साथ के साथ जो ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन द आइस, ये जो है इसके अंदर जो जियो ग्रीन है बताते हैं कि वो किसी रिटायर एक्टर को या फिर सेलिब्रिटीज को नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो जो है वहां जाकर थोड़े दिनों बाद वहां जो उस अंटार्कटिका की जगह को नुकसान पहुंच रहा है या जो अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है वो सब चीजों को देखकर थोड़े टाइम के लिए वो भूल जाएंगे। बट जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है उनको ले जाने से क्या होगा कि वो उन सब चीजों को एब्जर्व करेंगे, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर के एक पॉलिसी मेकर बनेंगे। जब भी वो अपनी पॉलिसीज बनाएंगे तो उस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें अपना डेवलपमेंट तो करना ही है बट अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। निशानी बताती है कि अंटार्कटिका का जो लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो बहुत छोटी है, यहाँ का छोटा सा इकोसिस्टम है, और यहाँ जो है छोटे से छोटा चेंज जो है उसका रिजल्ट हमें जल्दी ही देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया हुआ है कि फाइटोप्लांट जो है वो सर्दन ओशन को नरिश करते हैं। तो जो फाइटोप्लांट है वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो अगर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो यहाँ जो है ये प्लांट मर जाएंगे, जिससे कि पूरा जो फूड चेन है उसको इफेक्ट होगा, और हो सकता है जो एक फूड के थ्रू जो जीव जी रहा है और उस जीव के थ्रू जो दूसरा जीव जी रहा है वो सबके सब खत्म हो जाए, जो कि हमने सिविक्स में भी पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में कि कैसे एक छोटी सी छोटी चीज पर अगर इफेक्ट हो तो पूरी फूड चेन पर वो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही जो है ऑथर बताना चाहती हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, और जो
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से तो बहुत ज्यादा, और साथ के साथ जो ओजोन लेयर है उसकी जो है धीरे धीरे लेयर कम होती जा रही है, जिसकी वजह से सूर्य की जो किरणें हैं यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें वो सीधी की सीधी धरती पर आ रही हैं, जिससे कि छोटे छोटे जो ये प्लांट हैं या छोटे छोटे और भी जीव है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारी वजह से जो हमारी एक्टिविटी है उससे एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, और हमारे छोटे से छोटा एक्शन जो है, जैसे जो ये गैसेस हैं इतनी ज्यादा जहरीली जो कि हमारे साथ साथ उस एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रही है, तो इस चीज के लिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना जरूरी है। तो इस चीज को जो है ऑथर यहाँ समझाना चाह रही है। एंड लास्ट जो इस चैप्टर का पार्ट है वॉक ऑन द ओशंस, इसमें क्या होता है कि इन लोगों का जो 52 पीपल्स का जो ग्रुप है वो उनकी जो शिप है वो स्टक हो जाती है पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड में, फिर ये लोग वहां के बाद की जो जर्नी है वॉक एंड डिस्टेंस से ही जो है करते हैं, और बताते हैं कि यहाँ जो है 180 मीटर तक जो है नीचे आइस शीट फैली हुई है और उसके नीचे जो है एक स्टेट वाटर भी है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है एक कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट प्लेस है, तो यहाँ का जो एनवायरमेंट इतना ठंडा है ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में यहाँ इतनी हीट हो जाए कि हम ये जो आइस है उसको देख भी ना सके, साथ के साथ जो यहाँ के फिशेज हैं और बहुत सारा जो इकोसिस्टम वो बर्बाद ना हो जाए। तो बेसिकली यहाँ जो ऑथर है वो बताना चाहती है कि हम सिर्फ घर में एसी के रूम्स में बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोच ले इतना काफी नहीं है, हमें उठना पड़ेगा और ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से और हमारी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और हमने अगर अभी भी इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे लिए एक भयानक परिणाम के रूप में हमारे सामने दिखाया जाएगा। तो जिस तरीके से अब तक हमने चैप्टर में पढ़ा तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो अर्थ है एक एंड की तरफ जा रही है, तो इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ऑथर ने दिया है।